हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गाइस आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, जिससे कि आप घर बैठे अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि अपने पायलट लैंप चेंज करने हो या मीटर के बल्ब चेंज करने हो। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं कुछ नया कर लूँ, सो मैंने आज सोचा है अपने TVS जुपिटर के पायलट लैंप चेंज करने के लिए स्टॉक बल्ब से LED बल्ब में। सो मैंने देखो गाइस ये बल्ब खरीदे है, ये व्हाइट कलर में है, इसके जो होल्डर है वो फ्लैट होल्डर है। सो ये मेरे TVS जुपिटर में परफेक्टली फिट होते हैं। तो मैंने इसी टाइप के 6 बल्ब खरीदे, 2 व्हाइट, 2 ब्लू और 2 ग्रीन। सो मैं देखूंगा पहले कौन सा कलर अच्छा लग रहा है मेरी बाइक में, तो वो कलर के मैं बल्ब लगाने वाला हूँ। सो गाइज लेट्स गो एंड जो गाइज ये है हमारी बाइक, तो हमें इसका जो हेड है वो पहले खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हमें ये स्क्रू, ये वाला, और यहाँ पे नीचे में जो ये स्क्रू है ये वाला, ये साइड का स्क्रू और ये साइड भी सेम स्क्रू है, वो हमें खोलने पड़ेंगे। तो अब हम इसे खोलने का स्टार्ट करते हैं। इसे खोलने के बाद आप कुछ इस तरह देखोगे। ये है, मैंने अपने बाइक का हेडलाइट खोल दिया है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है, जो कि है अपने पायलट बल्ब का, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको इसे निकाल के यहाँ पे अपने जो LED लिया है हमने वो लगाना है। इसको निकालना एकदम ईजी है, बस इसे इस तरह से बाहर खींचो, इस पकड़ के इसको ऐसे बाहर खींचो तो ये जो है बाहर आ जाएगा। ये देखिए, यह है हमारा स्टॉक बल्ब। तो अभी हम इसे चेंज करने वाले हैं अपने LED बल्ब से, जो अभी अभी हमने खरीदा है ब्लू कलर वाला। इसे भी निकाल दो। ये देखिए गाइस, इस तरह से आप इसे निकाल दें और फिर इसे चेंज कर दें। इसे निकालना भी एकदम इजी है, बस इसे आप ऐसे बाहर खींचिए। तो आपका जो स्टॉक बल्ब है वो बाहर आ जाएगा। मैं अभी एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए मुझसे वो नहीं हो रहा है। ये देखिए, आप TVS में देखोगे कि इसका जो ये बल्ब का जो सॉकेट है, यानी कि होल्डर, वो फ्लैट है। ये देखो, ये फ्लैट सरफेस वाला है होल्डर। ये देखिए, ये बल्ब का होल्डर जो है फ्लैट सरफेस है। एक्टिव में आता है, राउंड सरफेस आ सकता है। सो आप जब भी लेने जाएंगे तो आप देख लीजिए कि आपका सॉकेट कौन सा है। सो अभी हम इसे चेंज करेंगे अपने LED बल्ब से। इसे मैं रख देता हूँ साइड में और ये है वो LED बल्ब जो अभी अभी हमने खरीदा है। सो हमें इसे, ये बल्ब को जो है ये होल्डर में लगाना है। मेरे को अच्छा काम मालूम है। सेम आप दूसरा भी चेंज कर दीजिए, स्टॉक बल्ब निकाल के वहां पे LED लगा दो। सो गाइस हमारे जो बल्ब है वो लग चुके हैं। अब हम इसे पहले चेक करेंगे बराबर जल रहे हैं कि नहीं। यही दिखाओ खाली। सो भी ये बल्ब जो है हमने उल्टा लगाया है, तो इसे निकाल के फिर से डालिए। ये देखो गाइस, हमारे बल्ब जो है चेंज हो चुके हैं और बराबर जल भी रहे हैं। तो इसे वापस आप वही डाल दिए जहां से आप निकाला था। सो अभी हमने हमारे पायलट लैंप जो है चेंज कर दिए हैं और इसी तरह अब हम चेंज करेंगे हमारे मीटर की लाइट्स, जो हमारे स्टॉक है उसको LED से एक्सचेंज करेंगे। सो गाइज हमारे जो पायलट लैंप के बल्ब है वो चेंज हो चुके हैं। अब मैं चेंज करने वाला हूँ अपने मीटर के बल्ब जो है स्टॉक, उधर डालने वाले हैं हम LED, जिसको जो हमने
खरीदे थे वो है ग्रीन कलर के। सो गाइज हमें तो एक तो पहले तो ये वाला निकालना पड़ेगा। आप देख चुके देख रहे हो कि इसमें स्टॉक बल्ब है, वो स्टॉक बल्ब आप निकाल दो बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ये भी फ्लैट होल्डर वाला है, आप देख सकते हो इसमें भी फ्लैट होल्डर है। एक्टिवा में आएगा गोल होल्डर, राउंड होल्डर। सो आपको अभी जहाँ से आपने स्टॉक बल्ब निकाला है वहाँ पे एलईडी बल्ब लगाना है। ये हमने लगा दिया एलईडी बल्ब, और एक यहाँ पे नीचे होगा अंदर, उसे भी निकाल दो। ये देखिए गाइस ये निकाल दिया मैंने, ये बल्ब भी निकाल दीजिए। और यहाँ पे आप लगा दीजिए अपना एलईडी जो आपने नया लाया है ग्रीन कलर में। तो अभी हम इसे चेक करेंगे कि जल रहा है कि नहीं। ये देखिए गाइस इसने प्रॉब्लम वो कर दिया, मैंने उल्टा डाल दिया है बल्ब। इसको वापस एंगल डायरेक्शन चेंज कर दीजिए इसका, तो ये आपको जलने लगेगा। ये देखिए गाइस ये है हमारे एलईडी बल्ब दोनों जल रहे हैं। अभी हम इसे इंसर्ट करेंगे अपने मीटर में। सो गाइस हमने अपने दोनों भी जो बल्ब है वो लगा दिए हैं, और अब हम करने वाले हैं इसका आपस पैकिंग। चलो गाइस अब हम इसे आपस पैक करते हैं। सो गाइस देखिए मैंने अपना फिटिंग कंप्लीट कर दिया है, और अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि मेरा एलईडी बल्ब है जो कैसे चल रहे हैं। Been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming. So guys, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसी काफी अच्छी सारी वीडियो लाते रहूंगा। So till then, do what you love. Till then, bye.